हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेज होम में। आज के सेशन में हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम लीग एनवायरमेंटो सुधार से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वास्टिंग, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप सभी जानते हैं ढाका में हुआ था, कब, 1906 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो यह आगा का नवाब सलीमुल्ला मुस्लिम अली जिन्ना ने किया था, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वह आगा का था। कौन था? आगा खान था। देखिए, हम लोग देखें फर्स्ट पॉइंट कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, कब की थी, तो ढाका में किया था 1906 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां नवाब सलीमुल्ला मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां, ठीक है ना। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी, तो अमृतसर अधिवेशन में 1908 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन, यानी प्रथम अधिवेशन 1906, इसके बाद फिर द्वितीय तो 1907, इसके बाद तृतीय तो 1908, तो 6, 7, 8 पेयर में याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन ढाका में, दूसरा कराची में और तीसरा अमृतसर में। तो प्रथम ढाका, दूसरा कराची और तीसरा अमृतसर, ठीक है ना। इसके बाद वर्ष 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी, तो अमीर अली, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मार्लोमिंटो सुधार अधिनियम 1909 को। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, तो भारतीय शासन अधिनियम 1909, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन की स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह स्टेटमेंट कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो वो याद रखिएगा वायसराय मिंटो के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्ति करने का जो प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो वह मार्लोमिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय कौन था, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचाने वाले वे एकमात्र भारतीय थे, ठीक है। कांग्रेस के दो गुटों में प्रमुख नेता, जैसे उदारवादी नेता देखने को मिलेगा आपको दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और उग्रवादी नेता में देखिएगा तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र लाल पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। शेर ए पंजाब के नाम कौन सी प्रसिद्ध था, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्ट है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी, तो यह बाल गंगाधर तिलक हो। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा क्या आशय था, तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में स्वशासन प्राप्ति करना।
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने आरंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे दिल्ली दरबार। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के वाइसराय था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। देखिए ये तीनों प्रश्न BCS में बहुत ज़बरदस्त पूछा है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 और तृतीय दिल्ली दरबार 1911। तो 77, 3, 11 यानी 1877, 1903 और 1911। प्रथम में लीटन, दूसरा में करजन और तीसरा में बात कीजिएगा तो तीसरा में आपका आ जाएगा कब है 1911 यानी लॉर्ड हार्डिंग। तो तीसरा में हार्डिंग, प्रथम में लीटन, दूसरा में करजन। तो दूसरे करजन हो जाएगा, पहला से लीटन हो जाएगा और तीसरा से हार्डिंग हो जाएगा। तो याद रखिएगा, PCS में पूछा है, बिहार दरोगा में भी प्रश्न बार बार पूछा है यहाँ से। तो थैंक यू सो मच, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।